एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पोरफायरेट रिंग्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑक्सीजन का जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कौन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं उसके बारे में देखेंगे। मेटल बाइंडिंग कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर एंजाइम्स एंड देन विटामिन बी12 के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पोरफायरिन रिंग्स के बारे में। तो तीन तरह के पोरफायरिन रिंग्स होते हैं हमारे। एक है हमारा पोरफायरिन रिंग जो कि हीम प्रोटीन से बना है, दूसरा एक क्लोरीन से बना रहता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, और एक बना रहता है क्लोरीन से जो कि विटामिन बी12 में काम आता है। कन्फ्यूजन कहाँ पर आएगा, ये दोनों का नाम जो ऑलमोस्ट सेम है उनमें कन्फ्यूजन आता है, ठीक है। अब होते क्या है कि ये रिंग समझ लो किलेट रिंग की तरह है। बीच में क्या आ जाते हैं हमारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो मेटल्स रहते हैं वो यहाँ बीच में रहते हैं, है ना, ये ऐसे। अब देखो इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। एक तो ये पूछ सकता है कि किसमें कौन सा पोरफायरिन रिंग का मतलब पाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विटामिन बी12 का क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ 2012 में आया हुआ है, जिसमें हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, द लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन बी12 इज। तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या, कॉरिक। तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा। उसके बाद और क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे देखो जो यहाँ पर ये वाला जो पोरफायरिन रिंग है, यहाँ कितने 6 मेंबर रिंग बनते हैं, 1 2 3 4, ये चार हमारे 6 मेंबर रिंग बन रहे हैं, है ना। उसके बाद 4 मेंबर रिंग कितने बन रहे हैं, 4। कौन कौन से, ये देखो यहाँ पे मेटल होगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, हम लोग क्लीशन में ऐसे ही देखते हैं ना, नंबर ऑफ रिंग्स कितने मेंबर है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4, ये 4 क्या है हमारे 6 मेंबर रिंग है। उसके बाद 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग देखेंगे, 1 2 3 एंड 4, ये 4 क्या है हमारे 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हम लोग इसमें पाइमर्स देखते हैं, कॉन्जुगेशन पे बेस्ड एक हमारा सीएसआईआर में क्वेश्चन आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हम सीजी सेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीएसआईआर में इस सेट के क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, टोटल यहाँ पे 11 पाई बॉन्ड है जिसमें से 9 पाई बॉन्ड हमारे कॉन्जुगेशन में रहते हैं। तीसरी चीज ये, क्योंकि हाईली कॉन्जुगेटेड है इसलिए यहाँ पे डीपली कलर होता है। कौन सा कलर, डीप डार्क ग्रीन कलर हम लोगों को मिलता है। क्यों मिलता है, ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। तो ये चीज हमारा आ सकता है यहाँ पे कि इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसके कारण पोरफायरिन रिंग में हमारा डार्क कलर शो होता है, ठीक है। ये हो गया किसका, पोरफायरिन रिंग्स का हो गया ये कंप्लीट। ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है तो ये आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन रिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बस एक डबल बॉन्ड एब्सेंट है, तो बाकी सब प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, 4 6 मेंबर रिंग, 4 4 मेंबर रिंग। जब कॉन्जुगेशन की बात आएगी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कम है तो यहाँ पर 10 पाई बॉन्ड है, मतलब 8 पाई बॉन्ड हमारे कॉन्जुगेशन में, तो वहाँ पे कितने थे 11 पाई बॉन्ड्स थे, यहाँ पे क्या हो गए 10 पाई बॉन्ड्स हमारे यहाँ पर बन गए, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन इसका क्लोरीन का कम है। उसके बाद फिर थर्ड क्या आता है हमारा, विटामिन बी12। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक तो ये है, यहाँ पे देखो मेथिलीन ग्रुप की जगह क्या आ गया, हट गया एक मेथिलीन ग्रुप, मतलब ये सी डबल बॉन्ड सी हमारा हट गया, तो ये डायरेक्ट बॉन्ड बन गया। अब ये भी कितने मेंबर हो गया, ये भी हो गया 5 मेंबर रिंग, तो 6 मेंबर रिंग कितने बचे, सिर्फ 3 बचे 6 मेंबर, और 5 मेंबर कितने हो गए 5। तो यहाँ पे देखो 6 मेंबर कितने बचे 3, और 5 मेंबर कितने हो गए हमारे 5 रिंग्स हो गए, जो 5 मेंबर है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मिसिंग है, यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड प्लस एक इथेन बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड मिसिंग है। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम, और क्लोरीन में उससे भी कम होगा, ठीक है। तो देखिए एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमारे आते हैं बहुत इजी इजी से। अब
ये क्वेश्चंस हमारे नहीं आए हैं, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। क्या आ सकता है? देखिए यहाँ पे बीच में मेटल रहेगा, जब मेटल नहीं है तो क्या है, ये पोरफायरिन रिंग इस तरह से प्रेजेंट है। अब अंदर में जो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या है, हमारे शील्डेड प्रोटॉन्स है। शील्डेड है मतलब ये बहुत ही ज्यादा कम होंगे, इनके दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन शील्डेड है, तो इनकी डेल वैल्यू बहुत कम होगी। कितनी रहती है? -2 से -3 ppm के बीच में आती है। तो ये वैल्यू भी पूछ सकता है या फिर अरेंज करने के लिए बोल सकता है। तो शील्डेड प्रोटॉन कौन कौन से हैं? दी जो अंदर वाले दो हाइड्रोजन है वो शील्डेड है, अब बाहर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, डी शील्डेड हो जाएंगे, है ना। तो अब देखिए ये एक, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा, ये चार कार्बन से जो हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, एक सिग्नल देंगे। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं, सेम है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे दो, क्यों, क्योंकि ये सब कंजुगेशन में रहेंगे ना। तो ये जो हाइड्रोजन हैं, ये सारे आठ हाइड्रोजन कितने देंगे, एक सिग्नल हमें देंगे। तो अगर हम लोग रेशियो बोले तो किस टाइप से रेशियो आएगा, 8:4:1 में हमारा जो 1HNMR का सिग्नल है वो आएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे तो 4:2:1 रेशियो में हम बोल सकते हैं तीन सिग्नल हमारे प्रोटॉन्स के यहाँ पर पोरफायरिन रिंग्स में मिलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे NH बॉन्ड है तो हमारा IR कितने में आएगा, 3300, याद होगा आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से 3300 के अप्रॉक्स, 3300-3500 हमारा NH का भी आता है और OH बॉन्ड का भी आता है। और UV में क्या आएंगे, दो पिक्स आएंगे, एक जो ब्रॉड पिक आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड बैंड, और छोटे छोटे बैंड्स आएंगे जिनको हम लोग बोलते हैं क्यू बैंड्स। दो तरह के पिक मिलेंगी, सॉलिड बैंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण मिलेगा और क्यू बैंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण हमें मिलेगा। अब जब इनमें कोई मेटल आ जाए, यहाँ पर मान के चलिए क्या हो रहा है, कोई मेटल आ गया, जब यहाँ पर कोई भी मेटल आ गया तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी मेटल है पोरफायरिन बनेगा। जब मेटल आ गया, जैसे आयरन आ गया, तो वहाँ पर जो पोरफायरिन बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं मेटलोपोरफायरिन, ठीक है। जब मेटलोपोरफायरिन रिंग बनेगा तो यहाँ वाला हाइड्रोजन का ना ही सिग्नल आएगा ना ही IR फ्रिक्वेंसी आएगा। तो ये IR फ्रिक्वेंसी इसका नहीं आएगा, नाइट्रोजन वाले दो हाइड्रोजन का, मतलब सिर्फ दो ही सिग्नल आएगा, ये चार हाइड्रोजन का और ये आठ हाइड्रोजन का, -2 to -3 ppm वाला सिग्नल गायब हो जाएगा। दूसरी बात क्या आएगी, हमारी सॉलिड बैंड भी गायब हो जाएगी, सिर्फ क्यू बैंड्स वहाँ पे रहेंगी, तो हमारे पास सिर्फ दो सिग्नल रहेंगे, एक 1HNMR वाला 4 hydrogen to 8 hydrogen, मतलब 2:1 रेशियो में सिग्नल आएंगे। दूसरा क्या आएगा, हमारे पास क्यू बैंड वाला सिग्नल यहाँ पर मिलेगा, सॉलिड बैंड जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये चीज से क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा सा बन सकता है, क्या बन सकता है कि कौन कौन से सिग्नल मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कितने, वो पूछ सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है करके, तीन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है, ये पूछ सकता है। इसमें बायमॉडलिंग में दिक्कत यही होता है, क्या होता है कि ये इस तरह के स्टेटमेंट्स पूछता है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, जहाँ पे हम लोगों को कहीं पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये तो सारे रटने वाली फैक्ट्स बेस्ड बातें हैं, जो बायो होम वाले होंगे उनको ताकि सारी चीज़ें पता भी होंगी। अब देखते हैं, जो ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में अलग अलग होती हैं। वर्टिब्रेट्स में क्या होती है, जो हीमोग्लोबिन होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 रहता है, मतलब एक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का रहता है स्टेट और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रहता है, डीऑक्सी का +2 ऑक्सी का +3। वैसे ही मायोग्लोबिन में रहता है, ठीक है, मायोग्लोबिन में भी +2 +3 में, मायोग्लोबिन में दोनों के दोनों +2 स्टेट्स में रहते हैं, है ना, मायोग्लोबिन में दोनों के दोनों +2 स्टेट्स में रहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये एक हमारा ऑक्सी फॉर्म आ जाएगा, एक हमारा डीऑक्सी फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, हिमिट्रिंग, तो इसमें भी हमारे एक्चुअली यहाँ पर दो सेंटर्स रहते हैं, दो सेंटर्स मतलब दो Fe रहते हैं, एक Fe +2 दूसरा भी +2 रहता है एक में, और एक में दोनों के दोनों +3 रहते हैं। और उसी बात है, +2 किस में रहेगा, D
डीऑक्सी फॉर्म में और ऑक्सी फॉर्म में क्या रहता है, प्लस का 3 रहता है। वैसे सी यू का भी देखेंगे, दो सी यू प्लस स्टेट में रहते हैं, दो सी यू 2 प्लस स्टेट में रहते हैं। जब सी यू प्लस में स्टेट में रहते हैं तब वो क्या होता है, हमारा ऑक्सी फॉर्म रहता है, और सॉरी डीऑक्सी फॉर्म रहता है, और जब प्लस 2 रहता है तो ऑक्सी फॉर्म। तो हम देख सकते हैं, बस इतना याद रखना कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सी, लोअर में डीऑक्सी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ लिंक करता है तो एक ऑक्सीजन स्टेट हायर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या हीमोग्लोबिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हमारी पूछ सकते हैं, क्या क्या एसेंशियल है देखते जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, टेट्रामर यूनिट रहता है। टेट्रामर यूनिट मतलब इस तरह से हमारा प्रोटीन पार्ट रहता है जिसमें चार हमारे हीमोग्लोबिन के नॉन हीम पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। चार पैरोल मतलब चार कंपार्टमेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें आयरन प्रेजेंट रहता है प्लस टू प्लस थ्री फॉर्म में, पोरफायरिन रहता है, ये दोनों नॉन हीम पार्ट हीम पार्ट है। ठीक है, और जो ग्लोबिन पार्ट रहता है मतलब प्रोटीन पार्ट रहता है, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहते हैं जिसमें दो अल्फा और दो बीटा वाले टेट्रामर, इसको अल्फा बोलते हैं और ये हम लोगों के बीटा, मतलब ये टेट्रामर मतलब एक हीमोग्लोबिन में चार यूनिट्स रहते हैं, चार यूनिट्स रहते हैं, तो चार यूनिट ओ टू भी कैरी हो सकता है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये अमीनो एसिड वाला पोर्शन क्या पता आए ना आए, मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ, अगर आप लोग से याद हो जाए तो याद कर लेना। अल्फा टू में 141 अमीनो एसिड और उसमें 146 अमीनो एसिड रहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं हीमोग्लोबिन में देख लेते हैं। बीच में आयरन जुड़ा हुआ है, देखो हाइड्रोजन हमारे गायब हो गए, इनसे एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा, हिस्टिडीन ग्रुप, ये हमारा बोल सकता है कितने हिस्टिडीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एक हिस्टिडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर अब कितना हो गया, नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। ये चीज़ भी दूसरा पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या है नाइट्रोजन का आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 5 है, क्योंकि एक और हिस्टिडीन ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिडाजोल रिंग भी बोलते हैं, तो वो वर्ड याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर चार एमी ग्रुप जुड़े रहते हैं, यहाँ दो CH2 मतलब इथिलीन ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे दो एसेंशियल एसिड दो अमीनो एसिड्स भी जुड़े हुए हैं, एक लाइसिन है और एक आर्जिनिन है। ठीक है, तो इतनी बातें हमारे यहाँ पर समझने वाली है आयरन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सी और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता है उसमें मैंने क्या बताया, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे बाइंड रहता है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है। ये Fe+2 से कहाँ आ गया, Fe+3 में आ गया। अब Fe+2 से Fe+3 आ गया, मतलब ये क्या है, स्मॉलर आयन है, जबकि Fe+2 लार्जर साइज है। ठीक है, अब ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, बट ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डायमैग्नेटिक बन रहा है, ये तो इम्पॉसिबल से लगता है, क्योंकि D5 में तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा, किसी भी तरह से आप पेयरिंग करा लो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाता है। तो यहाँ पर जो O2 हमारा जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिससे ये वाला हीम जो है वो डायमैग्नेटिक बन जाता है। तो ये क्या शो करता है, अपना एंटीफेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों हो गया, अरे भी अभी तक कोऑर्डिनेशन नंबर 5 था जब ऑक्सीजन ग्रुप नहीं जुड़ा था, और जब परऑक्साइड बॉन्ड जुड़ी है तो क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसलिए मैं बोल रही हूँ अलग अलग स्टेट में। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेगा डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन एक कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, इसको हम लोग रिलैक्स स्टेट या आर स्टेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आयन छोटा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा, साइज ऑफ आयन छोटा हो गया, तो एफ पी यहाँ नीचे एम्बेडेड हो जाता है, उसमें अच्छे से घुस जाता है रिंग के अंदर, क्योंकि रिंग के अंदर नाइट्रोजन के बीच में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस ही है, जितना बड़ा आयन होगा उतना मतलब स्पेस होगा उतना ही बड़ा आयन उसमें इंसर्ट हो पाएगा। दूसरी बात क्या है, ये एफ पी और नाइट्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये एक बार क्वेश्चन में हमारा PYQ में आया है, कितना है ये, 2.1 है। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग मेरे इवन PhD में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मुझे हर जगह मतलब दिख ही जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन का
क्या रहता है, क्योंकि और हीमोग्लोबिन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का जो ये आयर फ्रिक्वेंसी कितना रहता है, 1100 रहता है। अब डीऑक्सी में आएंगे, डीऑक्सी में एफ ए प्लस टू क्या रहता है, लार्जर साइज का रहता है, इसकी स्पिन क्या है, हाई स्पीड है, इसलिए पैरामैग्नेटिक शो करते हैं हम लोग ये T2G EG कॉन्फ़िगरेशन इसका। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहता है, अब क्योंकि इसका साइज बड़ा है वो उसमें फिट नहीं होता, इसलिए ऊपर में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोम शेप। और यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, इसलिए ये जो डिस्टेंस है क्या हो गया, कम हो गया। तो ये तो एटलीस्ट याद कर सकते हैं ना, उसका ज्यादा और इसका कम है, इसको इसलिए हम लोग टेंस स्टेट बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेनर नहीं रहता, टेंस फॉर्म में डोम स्टेट में रहता है, क्योंकि ये हाइपोजन के कारण अंदर नहीं घुस पाता है स्पीज के कारण, तो इसको हम लोग टी स्टेट भी बोलते हैं। अब देखिए जो चीज मैं आपको बता रही थी, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट रहता है, एक हीम यूनिट एक O2 को बाइंड करता है, तो 4 हीम यूनिट 4 O2 बाइंड करेगा, मतलब हम लोग का एक हीमोग्लोबिन 4 O2 मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है एट अ टाइम, बट जो मायोग्लोबिन है वो एक बार में एक ही O2 को स्टोर कर सकता है, मतलब एक हीमोग्लोबिन के O2 को स्टोर करने के लिए 4 मायोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। अब देखो जो इसका इफेक्ट है, मतलब HB जो है वो ऑक्सीजन जब उसमें आ जाता है हीमोग्लोबिन में तो क्या होता है, वो रिलैक्स स्टेट में आता है, तो इसकी एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की तरफ बढ़ती जाती है, इसलिए K4 का रेट बहुत ज़्यादा है, फिर K3, फिर K2, फिर K1, ठीक है। और इसी तरह से जैसे हम लोगों का घुसने का रेट है वैसे निकलने का भी है, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। जैसे ये HBO24 के फॉर्म में है, इसमें एक ऑक्सीजन निकला है, वैसे के वैसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाकी ऑक्सीजन भी निकलने लगते हैं, मतलब एक उतरा तो बाकी तीनों भी उसके साथ साथ उतरने लगते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। जब एक O2 मॉलिक्यूल निकलता है तो बाकी मॉलिक्यूल्स में ट्रिगर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा बोर इफेक्ट, ठीक है। बोर इफेक्ट में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो एफिनिटी ऑफ pH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, जब जब pH कम होगा तब तक हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगा, O2 रिलीज करेगा। कैसे रिलीज करेगा, अब समझना, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा जो मसल्स है उसमें CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अब जब वो H2O के साथ जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड। जब वो कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो pH कम हो गया, pH जैसे कम होता है तो बाइंडिंग भी कम हो जाती है, इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं ना, ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे जैसे pH कम होता है वैसे वैसे ऑक्सीजन में बाइंडिंग भी कम होती जाती है, तो उससे क्या होता है, O2 रिलीज हो जाता है। इस तरह से इन लोग अपना काम करते हैं। अब मायोग्लोबिन में आ जाते हैं, मायोग्लोबिन जो है वो हमारा स्टोरेज का काम करता है, किसमें, मसल टिश्यूज में, तो मसल टिश्यूज में स्टोरेज का काम करता है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीमायोग्लोबिन किसमें है, Fe+2 स्टेट में, और डीऑक्सीमायोग्लोबिन भी Fe+2, ये हमारा एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। तो ऑक्सीमायोग्लोबिन क्या होता है, हमारा लो स्पीड में कैसा रहता है, डायामैग्नेटिक रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्यों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण। डीऑक्सीमायोग्लोबिन हमारा हाई स्पीड में रहता है, पैरामैग्नेटिक रहता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना रहता है, 5। अब मायोग्लोबिन का फंक्शन देख लेते हैं, तो मायोग्लोबिन का मान के चलो MB जो है वो O2 को एक्सेप्ट कर रहा है और MbO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या ले लिए हम, K। तो K बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ MbO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ MB बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। अगर हम लोग F क्या ले रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ MB हैविंग O2। F क्या है, कितने MB जो है वो MbO2 का फॉर्मेशन कर लिए हैं। अगर जैसे ये 10 है, इसमें से 5 कर लिए, तो कितने नहीं किए, तो 10 में से 5 घटाएंगे, तो इसलिए 1-F हमारा MB आ गया, जो अभी भी बचा हुआ है, और जो O2 है इसका पार्शियल प्रेशर क्या आ गया हमारा, P इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये चांसेस कम है बट स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो गलती से आ गया तो आप लोग ऐसे ना लगे कि कहाँ से आ गया। अब O2 के लिए जो MB की एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन में ट्रांसफर कैसे होता है, मायोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी, उसका प्यार ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है, तो वो पकड़ के खींच लेता है। अब मायोग्लोबिन देगा क्यों, हीमोग्लोबिन से तो ले लिया, स्टोर कर लिया, अब ज़रूरत पड़ेगी तो देगा क्यों, तो जब ज़रूरत पड़ती है तब प्रेशर जो है वो 20 mmHg से कम हो जाता है ना। ऑक्सीजन क्या हो गया, धीरे धीरे कम होते गया, यूज़ होते गया, जैसे हम वर्कआउट किए ऑक्सीजन यूज़ हो गया, CO2 आ गया,
तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। तो जब ऑक्सीजन का प्रेशर, ये जो प्रेशर है कम हो गया, तब क्या होगा, ये रेट आगे बढ़ जाएगा। सिंपल सा इक्वेशन है ना, ये कम होगा तो रेट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है इक्वेशन से, इसलिए इक्वेशन जरूरी है। अब हम लोग जब कोई भी फ्री इम लेते हैं, फ्री इम कहीं मान के चलो हमारे प्रेजेंट है, सिर्फ हीम पार्ट प्रेजेंट है, ग्लोबिन पार्ट प्रेजेंट नहीं है। तो जो हीम पार्ट है ना, वो एक्सेस ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके हिमाटिन का फॉर्मेशन करती है। ये जो है इसका स्ट्रक्चर हमारा एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया है। Fe+2 एक ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, जब फ्री स्टेट में रहता है तो हिमाटिन का फॉर्मेशन कर लेती है। दूसरी चीज एक और क्या पूछता है हमारे से, मेट हेमोग्लोबिन पूछ चुका है। मेट हेमोग्लोबिन में क्या होता है, ऐसा हेमोग्लोबिन जो O2 के साथ बाइंड नहीं हो पाता, उसको हम लोग मेट हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ये एक्चुअली एक तरह का डिजीज टाइप से समझ लो, जिसमें आयरन Fe+2 स्टेट में ही रहता है। जब तक वो Fe+3 स्टेट में नहीं आएगा, तब तक वो ऑक्सीजन को बाइंड कैसे करेगा। जब वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है तब वो Fe+3 स्टेट में आता है। तो मेट हेमोग्लोबिन ऐसा कंडीशन है जिसमें Fe+3 स्टेट में आता ही नहीं है। जब Fe+3 स्टेट में आएगा नहीं, तो वो ऑक्सीजन को कैसे कैरी करेगा। तो ये एक तरह से डिजीज टाइप से होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नॉन हीम पार्ट। नॉन हीम पार्ट कौन कौन सा, हीमोग्लोबिन और हीम। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये हमारे इसमें हीम पार्ट प्रेजेंट रहता है। हीम पार्ट मतलब हमारा जो Fe है वो पोरफायरिन रिंग के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं हीम पार्ट। अब हम लोग देख रहे हैं नॉन हीम पार्ट, है ना। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन, दो एग्जाम्पल हमारे कौन से है, हीमेट्रिन और हीमोसाइनिन, ठीक है। ये दोनों में ही क्या है कॉमन, अब ये दोनों में क्या कॉमन बात है, ये दोनों में कॉमन बात ये है कि इनमें एक नहीं दो दो मेटल्स प्रेजेंट है एक ही स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देख सकते हैं Fe+2 प्रेजेंट है ना, यहाँ पे दो Fe+2 प्रेजेंट है एक ही स्ट्रक्चर में। ये देखिए यहाँ पर दो Fe+3 प्रेजेंट है एक ही स्ट्रक्चर में, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं हमारे दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं एक ही स्ट्रक्चर में। तो यहाँ दो Fe+2 प्रेजेंट है जिनसे तीन हिस्टिडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ दो Fe+2 है जिससे दो हिस्टिडीन, टोटल कितने, टोटल 5 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन में कितने हिस्टिडीन जुड़े रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन D6 कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, एक और ये है H2O जुड़ा रहता है, और क्या है यहाँ पे ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ये ग्लूटामेट और एस्पार्टेट यहाँ पे जुड़ा रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी चीज जब ऑक्सी पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये पर ऑक्साइड फॉर्म में जुड़ जाता है। देखिए एच ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इधर Fe, तो ये क्या है परऑक्साइड फॉर्म ही तो हुआ ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे परऑक्साइड फॉर्म है। तो ये भी पूछा जा सकता है आयरन में क्या था हमारा, हीमोग्लोबिन में सुपरऑक्साइड फॉर्म था, यहाँ पे कौन सा फॉर्म है परऑक्साइड फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ये एंटी फेरोमैग्नेटिक शो करता है, क्यों एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, क्योंकि D5 क्लोज स्पिन है। D5 क्लोज स्पिन है इसका मतलब क्या है, T2G Eg में इस तरह से कन्वर्ट हुआ, क्लोज स्पिन मतलब ये फेलिंग हुआ। अब जो एक बचा है ये कौन करेगा फिल, परऑक्साइड, ये जो एक बचा है ये कौन फिल करता है, दूसरा वाला Fe है, उसमें भी इस तरह से क्या होगा फिल्ड होगा और एक अनपेड, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एंटी पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है। दोनों में ही एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी पैरामैग्नेटिज्म हमारा शो करते हैं। अब हीमोसाइनिन की बात करें तो हीमोसाइनिन से क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं, पहली बात तो कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है, तो हीमोसाइनिन में कॉपर, हीमेट्रिन में कौन सा आयरन। ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से वाले में आयरन नहीं प्रेजेंट होता, तो उसमें आपको पता रहना चाहिए हीमोसाइनिन, क्योंकि सारे में हीम, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ भी है क्योंकि सारे में हीम लिखा हुआ था, हमें ऐसा लगता है हीम मतलब आयरन, हीम मतलब आयरन नहीं होता, ठीक है। तो ये हीमोसाइनिन वाले क्वेश्चन में क्या रहता है हमारा, कॉपर प्रेजेंट रहता है, एक में कॉपर +1 एक में कॉपर +2। अब
मैंने आपको बताया है ऑक्सी फॉर्म में एक स्टेट ज्यादा रहता है, तो ऑक्सी फॉर्म जो है उसमें प्लस टू डी ऑक्सी फॉर्म में प्लस वन। अब यहाँ पर जो सुपर ऑक्साइड है इसका जो न्यू सीओ फ्रीक्वेंसी है वो 844 सेंटीमीटर इनवर्स है, यहाँ पर क्या रहता है 803 सेंटीमीटर इनवर्स। बस इतना याद कर लो किसका कम किसका ज्यादा है, तो उससे भी देखते बन जाएगा। ठीक है, अब कॉपर प्लस वन मतलब D10 कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, डायमैग्नेटिक और कलरलेस। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन सा वाला कलरलेस होता है और इसमें डी ऑक्सी हीमोसाइनिन स्पेसिफिक दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हर एक पोर्शन से एक एक क्वेश्चन पूछेगा, तो हर एक पोर्शन का एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। और मेन बात क्या होती है ना ब्रायन इनऑर्गेनिक में कि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट दे देता है, वहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है पूछ लेता है, तो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है कि CO2+, CO+ में कन्फ्यूज कर दे, तो कुछ भी कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए एकदम अच्छे से याद रखना जरूरी है। यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी क्या शो करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक कॉपर मतलब 3D10 4S1, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन। जब कॉपर प्लस वन में आता है तो क्या बन जाता है 3D10, कॉपर प्लस टू में आता है तो क्या बन जाता है 3D9 मतलब एक जगह खाली हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक खाली है एक कॉपर प्लस टू में, उसके साथ साथ एक और कॉपर प्लस टू है जिसके बीच में क्या है ऑक्सीजन है ना, इस तरह से। तो ये दोनों क्या शो करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। कौन कौन सा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी, सॉरी हीमोसाइनिन भी, ऑक्सी हीमेथ्रिन भी, दोनों के दोनों क्या शो करते हैं, हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद करने वाली बात है, क्या मैग्नीज जो टू है उसको कौन सा वाला रिप्लेस करता है, आयन मैग्नीशियम प्लस टू आयन रिप्लेस करता है, याद करने वाला है, इसमें मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन मेट हेमोग्लोबिन, देखो अभी हम लोगों ने देखा मेट हेमोग्लोबिन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, प्लस का टू। अब हीमेथ्रिन में चेंजेस के बारे में दिया हुआ है, तो हीमेथ्रिन अभी देखें, तो इसमें क्या लिखा है, वन आयरन आइटम इज ऑक्सीडाइज, ये तो गलत है, बोथ आयरन आइटम आर ऑक्सीडाइज, ये सही बात है। फिर O2 binds to one iron atom and is also hydrogen bonded. O2 binds to both iron atoms and is also hydrogen bonded. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हीमेथ्रिन का, अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, प्लस ये एक ही आयरन से ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ना, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी एंड सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर मेटल ऑफ प्रोटीन हीमेथ्रिन, देखो फिर से आ गया द स्टेटमेंट रिटर्न नॉट ट्रू, यहीं पे दिक्कत हो जाता है ना, दोनों इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा इनवर्टिब्रेट्स वाले हैं। वन आयरन इज हेक्साकोऑर्डिनेटेड बाय अदर इज पेंटाकोऑर्डिनेटेड इन एक्टिव साइट, ये भी शायद सही है, बोथ आयरन सेंटर्स आर हेक्साकोऑर्डिनेटेड इन एक्टिव स्टेट। अब देखो इनमें क्या है, दोनों में अलग अलग दिया हुआ है, तो याद करेंगे हम लोग क्या है, Fe+3 था, यहाँ पे ऑक्सीजन था है ना, और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन से ये जुड़ा हुआ था जो कि हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ के इस तरह से परऑक्साइड बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो एक हेक्सा है और दूसरा पेंटा है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इस तरह से दिमाग में लगाना पड़ता है, ये देखिए ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 आयन हिस्टिडीन है, यहाँ पे 2 आयन हिस्टिडीन है, छोटी होती जाती है। अब द एक्सटेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन ऑफ हीम कोएंजाइम B12 एंड क्लोरोफिल, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया आपको पोरफायरिन कोरिन, हीम मतलब क्या हो गया हमारा पोरफायरिन रिंग, ठीक है, B12 मतलब क्या हो गया हमारा कोरिन रिंग, ठीक है, और क्लोरोफिल मतलब क्लोरिन रिंग, क्लोरोफिल मतलब क्या हो गया क्लोरीन रिंग। अब हमें पता है कि पोरफायरिन रिंग यहाँ पे था सबसे ज्यादा था, अब हमें पता है सबसे इधर क्या था, पोरफायरिन रिंग था, ठीक है, उसके बाद कौन सा था हमारा क्लोरीन रिंग था, उसके बाद कौन सा था फॉरिन रिंग था, है ना, इस तरह से कॉन्जुगेशन था, ठीक है, तो इसलिए पोरफायरिन रिंग का क्या,
तो इसलिए पोरफायरिन रिंग का क्या हो जाएगा हमारा पहला, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिर सेकंड, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ हिस्टिडीन एमिनो एसिड्स, यहाँ पे देखो ऑक्सीहिमोसाइनिन और ऑक्सीहिमेथ्रिन दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि द नंबर ऑफ हिस्टिडीन एमिनो एसिड नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेटेड टू वायरमेंटली एक्टिव साइट। अब हिमोसाइनिन इधर था और हिमेथ्रिन इधर था, हिमेथ्रिन का मैंने बताया था 3 और 2 रहता है ना, और हिमोसाइनिन में कितना था हम लोग देख नहीं पाए थे, हिमोसाइनिन में कितना था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, और इसमें क्या है 3 और 2 है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं, एक में 3 3 है और एक में 3 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है FeN पोरफायरिन बॉन्ड डिस्टेंस डीऑक्सी और ऑक्सी में आपको बताया गया था एक में 2.1 है, एक में 2.0 है ना। द टोटल नंबर ऑफ मेटल आयंस इन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड इमिडाजोल रिंग, तो यहाँ पे देखो ऑफ हिस्टिडीन इन एक्टिव साइट ऑफ हीमोसाइनिन, ऑक्सीहिमोसाइनिन मतलब हम लोगों को पता है सी यू प्लस टू स्टेट में रहता है, दो ऑक्सीहिमोसाइनिन में, तो ये दो सी यू प्लस टू स्टेट है, कितने हिस्टिडीन रहते हैं अभी हम लोग ने गिना था 3 इधर और 3 इधर, तो 6, बस यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो जाता है ना, और हिमेथ्रिन सोच लेते तो और ज्यादा कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्या है, डीऑक्सीहिमोसाइनिन क्या होता है, डीऑक्सीहिमोसाइनिन क्या है हमारा, डीऑक्सीहिमोसाइनिन मतलब कॉपर प्लस 1 स्टेट में था, ऑक्सी में एक ज्यादा मतलब कॉपर प्लस 2 स्टेट में, तो ये क्या है हमारा कलरलेस था और डायमंड, मैंने आपको बताया था कलरलेस वाला क्वेश्चन आया है। अब ये देखिए रिसेंट का क्वेश्चन है हमारा 2023 का, इसमें क्या बोल रहा है कि ऑक्सीहिमोसाइनिन जो है वो 744 सेंटीमीटर इनवर्स शो कर रहा है, इसके लिए 16 ऑक्सीजन के लिए, अब हम लोगों को 18 ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो ये ऑब्वियसली आइसोटोप वाला है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा फ्रिक्वेंसी दिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू 1/√πc√kμ, अब म्यू जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऑब्वियसली क्या होगा 18 ऑक्सीजन का अगर वेट ज्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम आनी चाहिए, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, कौन कौन सा, ये तीनों में से एक होना चाहिए। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 702 ऑप्शन में आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि ऑक्सीहिमोसाइनिन में, ऑक्सीहिमोसाइनिन मतलब O2 माइनस होता है और कॉपर में चेंज, सॉरी ऑक्सीहिमोसाइनिन में क्या है परऑक्साइड बॉन्ड है ना, तो O2 माइनस 2 रहता है और कॉपर प्लस 2 का चार्ज रहता है, अभी हम लोगों ने देखा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपको पता होगा तो डायरेक्ट आंसर आप लोग विद सेकेंड से इसका निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कल बाकी पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे और बाकी क्वेश्चन इस तरह से देखेंगे, तो हमारा बायो इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा, इससे क्वेश्चन हमारे नेट में भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, सेट में भी 2-3 क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।